हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप सभी चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आप सभी को मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने बिल्कुल गर्मा गर्म जो कोफ्ते हैं ना उसकी सब्जी बन करके तैयार है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोफ्ते किस चीज़ के हैं, तो आज मैंने ना मटर के कोफ्ते बनाए हैं, जो कि बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और फटाफट बन जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट और बिल्कुल घुले हुए बने हैं। तो चलिए मिल करके रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये कोफ्ते बनाने के लिए ना मैंने अपनी मतलब चॉपिंग जो है वो लगभग ख़त्म ही कर ली है। तो मैंने जो ये है प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च वगैरह सब कट कर लिए हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो टमाटर का यूज़ कर रही हूँ, तो टमाटर को भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। प्याज भी मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के यूज़ किए हैं, ज़्यादा प्याज नहीं लिया है। तो अब इन सभी को जार में डाल करके पीस लेना है। उससे पहले आप देख सकते हैं मैंने मटर वगैरह भी जो छील ली है, और मटर जो है ना मोटे वाले यूज़ करने हैं। अगर जो बारीक वाले मटर रहते हैं ना तो उससे ये थोड़े पीसने के टाइम पे ना मतलब गीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक, दो हरी मिर्चें और ये जो मटर हैं इनको यूज़ कर रही हूँ। और इसको हमें ना दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, पानी नहीं ऐड करना है, बिना पानी ऐड किए इसको पीसना है। अगर पानी मिला देंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो फिर इसको बाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने उसको पीस लिया और फिर सेम ब्लेंडर के अंदर ही मैंने जो ये सारी बाकी चीज़ें कटी हुई थी उनको डाल करके और इसको भी पीस करके बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें हम एक साइड रखते हैं और अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपने जो कोफ्ते हैं उनको। तो कोफ्ते में सबसे पहले मैंने ऐड किया है नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं यहाँ पे ना दो चम्मच बेसन का यूज़ कर रही हूँ। बेसन एकदम से ढेर सारा नहीं मिला देना है, नहीं तो कोफ्ते ना हमारे बहुत हार्ड हो जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर अगर हमें बाद में लगेगा कि नहीं और अगर ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक कोफ्ते को उसमें तेल में डाल करके ट्राई कर रही हूँ। अगर ये बिखरेगा नहीं तब तो ठीक है, और ज़्यादा बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो कोफ्ता था वो ठीक था, तो फिर मैंने जो हमारे बाकी कोफ्ते हैं ना उनको शेप दे करके और फिर इनको भी अब अच्छे से हमें उलट पलट करके पका लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और जब ये इस तरीके से ब्राउन कलर के हो जाए ना तो इनको निकाल लेना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो ये फटाफट फ्राई हो जाएंगे, पर अंदर से इनका ना मतलब पकेंगे नहीं ये। तो इस तरीके से मैंने जो मेरे सारे कोफ्ते थे ना वो तैयार कर लिए। तो सेम कढ़ाई के अंदर ही मैंने तेल थोड़ा कम कर दिया और फिर उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया ज़ीरा, और फिर इसके बाद जो हमने पेस्ट बना रखा था ना मसालों का उसको ऐड कर देना है। और फिर इसको अब हमें अच्छे से फ्राई करना है। जब 5-7 मिनट हो जाएंगे फ्राई करते करते ना, तो फिर इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और क्या कहते हैं देगी मिर्च का यूज़ किया है सिर्फ कलर के लिए। और फिर इसको हमें अच्छे से ढक करके धीरे धीरे भुनना है, जिससे कि जो सारा ऑयल है ना इसमें का वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और मसाला जो है ना हमारा वो एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ था ग्रेवी के लिए, तो मैंने फटाफट इसके अंदर गर्म पानी ऐड किया। जितनी भी हमें ग्रेवी बनानी है ना उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। भाई अगर बहुत पतली बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा, कम बनाना है तो उसको गाढ़ा रखने के लिए थोड़ा कम पानी। और फिर इसको ढक करके हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि मतलब जो हमारी ग्रेवी है ना बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है, ऑयल बिल्कुल अच्छे से इसमें से ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल पक गई है। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा भुना हुआ कसूरी मेथी ऐड किया है। और फिर इसके बाद गैस को कर देंगे बंद और कोफ्तों को ना सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, बॉयल होते हुए उसमें नहीं डालना है, नहीं तो कोफ्ते ना सारे गल जाते हैं हमारे। तो इसलिए गैस को बंद करने के बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब हमें कोफ्ते को ऐड करना है और फिर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इतनी ही देर में जो हमारे कोफ्ते हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है ना बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और ये मैं सुबह सुबह स्कूल के टाइम पे बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं नहीं करके दिखा पाती, मैं फटाफट जितना भी थोड़ा बहुत टाइम होता है उसी के अंदर इतनी तैयारी करके बस आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ।
तो ये है जो हमारी सब्जी है फ्रेंड्स, देखिए बन करके तैयार हो गई है। मुझे धनिया काटने का भी टाइम नहीं था कि मैं इसमें धनिया काट के डाल सकूँ सुबह 7 बजे, क्योंकि स्कूल के लिए देरी हो रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही इसको बना लिया। और आप देख सकते हैं जो हमारे कोफ्ते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह बने हुए हैं। ग्रेवी को इसने सोख लिया है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और मेरे चैनल पे बार बार आते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।